हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए, फिर जाके हम आएंगे हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट। देखो, कांस्टेंट का मतलब होता है अनचेंजेबल। क्या होता है? अनचेंजेबल। या हम कह सकते हैं फिक्स। जो चीज फिक्स्ड नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। फॉर एन एग्जांपल, देखो सबके घर में क्लॉक होती है। तो देखो उस क्लॉक में क्या होता है, हमारे पास होते हैं, एक होता है सेकंड हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आर हैंड। क्या क्या होता है? सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड। तो देखो जो रोटेट करते हैं, जो जैसे सेकंड हैंड को देखते हैं, जब वो रोटेट करते हैं जो उनकी स्पीड होती है वो क्या होती है? एक फिक्स्ड स्पीड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड स्पीड होती है। ना वो कभी तेज जाती है ना कभी स्लो हो जाती है, वो एक सेम कांस्टेंट स्पीड में क्या होती है? रोटेट करती है। वैसे ही हम अगर मिनट हैंड को देखें, वो भी क्या करती है? एक कांस्टेंट स्पीड में क्या करती है? रोटेट करती है। और सेम हमारा आर है। तो ये तो था इसका एग्जांपल। बट मैथ में कांस्टेंट क्या होता है? मैथ में कांस्टेंट ये होता है एक सिंबल जिसकी क्या हो? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। क्या हो? फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एन एग्जांपल, कोई भी नंबर 2 या मैं बोलूं 3.5 डेसिमल नंबर, या मैं बोलूं कोई फ्रैक्शन 1/4, या कोई भी नेगेटिव नंबर, ये सब क्या हो गए? इसके एग्जांपल हो गए। तो बच्चों कांस्टेंट समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट में, जो कि क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। देखो वेरिएबल क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता था? अनचेंजेबल। तो ये क्या होगा? चेंजेबल। क्या होगा? चेंजेबल। देखो जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। या जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। फॉर एन एग्जांपल, देखो सबके सब क्या चलाते हो? बाइक चलाते हो ना, बाइक स्कूटी ये सब चलाते हो। तो देखो जब आप बाइक या स्कूटी चलाते हो क्या आपकी स्पीड फिक्स्ड रहती है? नहीं रहती ना, क्योंकि कभी आप स्पीड अपनी तेज करते हो और कभी आप स्पीड अपनी कम करते हो। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो वो क्या हो गया? वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये तो थी नॉर्मल वेरिएबल का एक एग्जांपल। अगर मैं बोलू मैथ्स में वेरिएबल का क्या रोल है, तो मैथ्स में क्या है? मैथ्स कहता है वेरिएबल क्या है? एक सिंबल है जो वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करे? टेक्स करे। ठीक है, टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड से हम क्या करते हैं? इसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल। अब आगे हम बढ़ते हैं अपना टर्म्स में। किसमें बढ़ते हैं? टर्म्स में। तो देखो टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स बनते कैसे हैं? देखो टर्म्स ना, पहला अगर मैं बोलूं कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो वो क्या होगा? हमारा टर्म होगा। क्या होगा? टर्म होगा। जैसे कि मैं बोलूं 2, ये क्या? एक टर्म है। ठीक है, 3, ये क्या है? टर्म है।
वन बाय फोर क्या है, टर्म है। ये हम क्या बता रहे हैं कि बनते कैसे हैं टर्म, ठीक है। या तो वो सीधा कांस्टेंट हो, और इनको हम कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं, ठीक है, या फिर वो क्या हो, एक सिंगल वेरिएबल हो, क्या हो, एक सिंगल सिंगल वेरिएबल हो, जैसे कि x, नॉर्मली x, या y, या कोई और वेरिएबल हो, ठीक है। और तीसरा, वो किस फॉर्म में हो, फैक्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में हो, फैक्टर फॉर्म में, ठीक है। फैक्टर फॉर्म में इन द सेंस क्या है, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है और वो खुद से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देखूं, नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x लिया, अगर मैं इसका फैक्टर फॉर्म बनाऊं तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, 2 एंड x में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसके फैक्टर फॉर्म बनाऊं, 6 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स और एक्स, तो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई और एक क्या आ गए, वेरिएबल्स आ गए, क्या आ गए, वेरिएबल्स आ गए, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, माइनस का 8xy, इसको मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, माइनस 8 एक्स वाई, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल्स, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, फैक्टर फॉर्म हो गया टर्म्स का। और एक और चीज होती है, जो वेरिएबल की पावर होती है ना, इसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल की पावर नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, कोई भी, ठीक है। आप x की पावर -2 लगा दो, चलो -8 कर लेते हैं, और y की पावर -3, ठीक है। ये भी क्या हो गया, एक टर्म हो गया, क्या हो गया, एक टर्म। तो टर्म्स के तीन चीजें समझ में आई, या तो नॉर्मल ऐसा दिखेगा 2 कांस्टेंट फॉर्म में दिखेगा, या वो सिंगल सा वेरिएबल होगा, या वो फैक्टर फॉर्म में होगा। और फैक्टर फॉर्म आपको समझ में आई, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो कि क्या है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको अभी कांस्टेंट, वेरिएबल और टर्म समझ में आए, तो ठीक है। अब उसी को लेके हम क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं, जब हम टर्म्स को ऐड करें, ठीक है, व्हेन टर्म्स आर एडेड, वो क्या बना देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देते हैं, ठीक है। क्या बना देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एन एग्जांपल मैं लिखूं 2x प्लस का 3y, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या थे, दो टर्म थे, एक टर्म था 2x फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, सेकेंड टर्म, ये क्या है, सेकेंड टर्म। जब इन दोनों टर्म को मैंने ऐड किया तो ये क्या बन गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें क्या है, तीन टर्म है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, एंड थर्ड टर्म दिस वन। इन तीनों टर्म को जब मैंने ऐड किया तो ये क्या बन गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो
तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? व्हेन टर्म्स आर देमसेल्फ एडेड देन दे फॉर्म एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या फॉर्म करते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं. अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x माइनस का 3xy माइनस का 3, क्या ये टर्म है? हाँ ये टर्म है. अब इसमें टर्म क्या क्या है? इसमें जो पहला टर्म है हमारा क्या है, 2x है. दूसरा टर्म क्या है, माइनस 3xy. और तीसरा टर्म क्या है हमारा, माइनस का 3. क्या है? माइनस का 3. और जब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो टर्म में आपने एक चीज क्या देखी, टर्म में नेगेटिव साइन भी इंक्लूड हो रहा है. क्या हो रहा है? नेगेटिव साइन भी इंक्लूड हो रहा है. ठीक है, अब मैं इनको ऐड करता हूं तो नॉर्मली ये क्या बन जाएगा, यही तो बन जाएगा, 2x माइनस का 3xy माइनस का 3. और ये क्या हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई. ठीक है, और ये देखो डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि टर्म्स जब ऐड होते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक और डेफिनेशन होती है, एक्सप्रेशन विच आर मेड अप फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट. क्या? वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट से जो बनते हैं वो भी क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी कोफिशियंट ऑफ द टर्म. ठीक है, क्या है कोफिशियंट ऑफ द टर्म? देखो कोफिशियंट ऑफ द टर्म हम वो भी कहते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशियंट भी कहते हैं. ये होता क्या है, कोई भी एक टर्म है हमारे पास, जैसे मान के चलो 7x5, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशियंट ऑफ द टर्म. इस टर्म का क्या है, वो कोफिशियंट है, या हम बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई. क्या बोलेंगे? कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई, जो कि क्या है 7. अगर मैं यहां पे लिख दूं -7 तो कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, -7. क्या हो जाएगा? -7. जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगी, कोफिशियंट होगी. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 1/4 x^2. तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, 1/4. क्या होगा? 1/4. अगर -1/4 होता तो -1/4 क्या हो जाता, कोफिशियंट बन जाता एक्स स्क्वायर का. क्या बन जाता? एक्स स्क्वायर का. तो अब हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है. अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे. क्या करेंगे? पोस्टमार्टम. अब मैं बताता हूं करेंगे कैसे. ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लेता हूं पहले. ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कांस्टेंट. तो मुझे कोई बताएगा इसमें कांस्टेंट क्या क्या होंगे? तो देखो इसमें कांस्टेंट क्या होंगे, जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहां पे, क्या है एक -3, फिर क्या है हमारा 4, और तीसरा क्या है -1/4. तो ये सब क्या थे यहां पे, कांस्टेंट थे. दूसरा क्या पढ़ा हमने, वेरिएबल. वेरिएबल क्या यहां पे यूज हुए, एक्स एंड वाई. क्या यूज हुए हमारे, एक्स एंड वाई, यहां पे हमारा वेरिएबल यूज हुआ है. थर्ड क्या पढ़ा हमने, टर्म. तो इसमें कितने टर्म है, इसमें है 3 टर्म. कौन कौन से 3 टर्म है? पहला टर्म है हमारे पास -3x^2, दूसरा क्या टर्म है 4x^-1, तीसरा टर्म क्या है -1/4. -1/4, तो कितने टर्म थे, 3 टर्म थे. और ये क्या है पूरी हमारी
ये पूरी क्या हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और लास्ट क्या पढ़ा था हमने, लास्ट पढ़ा था हमने कोफिशियंट। तो मुझे बताओ कोफिशियंट ऑफ दिस टर्म, या बोले कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का क्या होगा हमारा कोफिशियंट, माइनस थ्री। ओके, अब मैं बोलू कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर माइनस वन वाई, क्या है इसका कोफिशियंट, फोर। क्या है, फोर। और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम कोफिशियंट नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट कह सकते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आया यहां तक, तो ये था हमारा एल्जेब्रिक।